हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम कॉलेज। इस वीडियो में हम एनआईटी रायपुर के बारे में बात करेंगे। तो अगर एनआईटी रायपुर के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ का जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका जेई मेंस में जो स्कोर है जनरल कैटेगरी में अगर 10 से 20 हज़ार के रैंक के बीच में है तो आपको एनआईटी रायपुर आराम से मिल सकता है। और अगर आपके जो जेई मेंस में कट ऑफ है वो 10 से 11 हज़ार 12 हज़ार तक है तब भी आपको एनआईटी रायपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। और अगर हाईएस्ट पैकेज की यहाँ बात करें तो अभी 2021 में 62 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.7 लाख पर एनम ओवरऑल एवरेज पैकेज गया है। तो अगर 2020-21 में देखें तो टोटल 599 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है यहाँ। और अगर 2019-20 में देखें तो 587 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। यही अगर 2018-19 में देखें तो 552 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। और अगर 2017-18 में देखें तो 458 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जो नंबर आप स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट हुआ है ईयर वाइज तो वो इंक्रीज होता हुआ गया है, ठीक है, कम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अगर नंबर आप कंपनीज की बात करें जो यहाँ विजिट की हैं तो 2020-21 में अभी तक अगर देखें तो 92 कंपनीज यहाँ विजिट की हैं। और अगर 2019-20 में देखें तो 101 कंपनियां यहाँ विजिट की हैं। और 2018-19 में देखें तो यहाँ 80 कंपनीज विजिट की थी। अगर 2017-18 में देखें तो 68 कंपनीज विजिट की थी। अब अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 2020-21 में यहाँ 9.7 लाख पर एनम जो है वो ओवरऑल एवरेज पैकेज गया था। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इस वीडियो को बनाते समय एनआईटी रायपुर का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 62 लाख पर एनम गया है, ठीक है। और अगर 2019-20 में बात करें तो एवरेज पैकेज जो है 9.5 लाख पर एनम था। 2018-19 में देखें तो 7.6 लाख पर एनम था। 2017-18 में देखें तो 6.5 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज गया था। ये जो पैकेज है ये एवरेज पैकेज है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज पैकेज है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट ब्लू कलर से ग्राफ है ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हुए हैं प्लेसमेंट्स के लिए। और ये जो ब्लू कलर से ग्राफ है यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर साइंस में देखें तो 84 स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल थे जिनमें से 75 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। यही अगर आईटी ब्रांच में देखें तो 83 में से 75 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। अब अगर 2019-20 बैच में देखें तो कंप्यूटर साइंस में 90 स्टूडेंट्स में से 82 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। अगर आईटी ब्रांच में देखें तो 90 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे जिनमें से 79 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।